सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवेंचर ब्रोज। सो गाइस, आज फिर से आ गया हूँ मैं गुरेंदी मार्केट। ये बेसिकली जबलपुर का सबसे बड़ा मार्केट है, मतलब इसको चोर बाजार बोलते हैं। यहाँ का बहुत सारी जो चीज़ें बहुत फेमस है, रद्दी के भाव में बहुत सारे सामान मिलते हैं। इसके एक वीडियो और मैं बना चुका हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसकी वीडियो करी थी तो मेरे को बहुत जने कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई इसको पूरा डिटेल में समझाओ कि कहाँ पे पड़ता है, कैसा है और क्या क्या भाव में, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं इस वीडियो में पूरे प्रॉपर तरीके से मतलब कवर करने वाला हूँ। और इसके ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने अपने साथ एक लोकल आदमी रखा है यहाँ का, ये है हमारे पप्पू भैया। आज हम लोगों को पूरा एक्सप्लोर कराएंगे गुरेंदी मार्केट। गुरेंदी मार्केट क्यों बोलते हैं भैया, पहले ये बताइए अपन लोग। यहाँ एक्चुअली क्या, विशेष तौर पे देखा जाए तो चोर मार्केट कहलाता है। हाँ, और जबलपुर संभाग के अंतर्गत सबसे बड़ा जो चोर बाजार है, अच्छा, वो जबलपुर में ही पाया जाता है, गुरेंदी। जी सर। अच्छा, गुरेंदी जबलपुर के भाषा में मतलब रद्दी को बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे बताइए कबाड़ के रेट में मतलब बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, धीरे धीरे आप लोगों को बताएंगे। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, क्योंकि आप अपना एकदम वो क्या बोलते हैं खूबसूरत टाइम हमारे साथ एक्सपेंड कर रहे हो। सो चलो चलते हैं और दिखाओ पूरा मार्केट की कैसा है क्या है। तो आज पूरे एक्सप्लोर करते हैं पप्पू भैया के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे सामने, कैसेट बॉक्स लगा, जबकि आजकल कैसेट बॉक्स का समय चला खत्म हो गया, खत्म हो गया। सीडी मतलब का भी समय चला गया, मतलब हाँ, बहुत जो पुराने पुराने जो चीजें है ना वो यहाँ पे संभाल के तो नहीं, लेकिन एक तौर से बोले हाँ संभाल के रखा गया है। अगर आपको पुरानी आइटम्स कुछ चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे मेरे को सबसे यूनिक आइटम लग रही है वो HP की प्रिंटर। जी, उसकी क्या रेट होगी पूछ सकते हैं? ये HP की प्रिंटर कितने का भाई? 800 रुपए की। वर्किंग कंडीशन में होगा वो? वर्किंग कंडीशन में है। मोबाइल का भी आप देख रहे हो, यहाँ पे मोबाइल देख सकते हैं, कीपैड अगर फोन सजा के रखे हुए हैं। ये देखिए, ये कैमरा कैमरा भी है चारों स्टेट। यहाँ अपना फर्नीचर वगैरह मिलता है, सोफा सेट पूरा सेकंड हैंड माल है, सेकंड हैंड माल है पूरा हमारा, आधे से आधे रेट में मिलेगा ये मतलब। हाँ, ये डेकोरेशन वगैरह के लिए बहुत बढ़िया नहीं, अगर घर में डेकोरेट करना चाहते हैं वो तो पुराने मॉल वॉल पुराने। हाँ, बहुत पुराने जमाने का ये, जमाने का देखिए। और उस जमाने में क्या रेट का आता होगा ये सब? 4,000-5,000 10,000 से ऊपर का, 10,000 समथिंग होगी, 10,000 प्राइस। और उस समय कैमरे की वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी, है ना, 250-300 या 500 का। अच्छा, इससे ज्यादा अभी अरे एग्जॉस्ट वगैरह फैन वगैरह भी है। ये मिठाई काउंटर, अच्छा ये मिठाई काउंटर, ये भी पुराना वाला है ना, पूरा कबाड़, इसको कोई भी उठा सकता है, कोई भी उठा सकता है, कोई भी पार्ट खरीदना चाहे, अच्छा कुछ भी कार में अगर लगा है तो उपयोग ले आ सकता है। तो कबाड़ के रेट में ये कार आया हुआ है यहाँ पे, जैसे देख रहे हो सामने का हिस्सा खुल गया इसका, और किसी को जरूरत होगी तो वो आके लेके चला जाए। अच्छा, मतलब अगर मान के चलिए मेरे को स्टेरिंग की जरूरत है, स्टेरिंग निकाल दे देना, अगर पूरा पूरा चाहिए तो पूरा भी मिल जाएगा। जी जी, मतलब क्या रेट का होगा ये पूरा, आगे वार्तालाप करते हैं। एडी का क्या रेट होगा, इसका क्या रेट होगा भैया? 3,000 रुपए। नया चालू है, बंद है, अच्छा खर्चा आएगी, मतलब नया में क्या रेट होता होगा, क्या नया में क्या रेट रहता है उसका? नया में वो भी होगा कम से कम 11,000-11,500। ये जो मोटर है क्या रेट का होगा? ये मोटर मोटर चालू है, क्या रेट में आ जाएगा ये भैया आपके पास? 1,500 रुपए। नया में क्या क्या रेट रहता है? मार्केट प्राइस 4,500-5,000। HP के ऊपर है। अच्छा, ये चालू हालत में? चालू हालत में मतलब क्या क्या कॉइन, मतलब अगर बाई चांस किसी के पास ऐसे कि अपने अभी चिल्लर की बहुत तंगी रहती है, अच्छा अच्छा, तो लोगों ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, वही सिक्का ले जाओ या फिर पैसा ले जाओ, तो जब बाद में आया तो मैं तुमको वापस कर दूंगा। अच्छा, उस हिसाब से ये पहले बहुत चलता था, अब चलना कम हो गया, चलना कम हो गया है। अच्छा, ये अपना क्या बोलते हैं कीपैड वगैरह है सब वर्किंग कंडीशन में, नया टाइप का लग रहा है, काफी नया टाइप का लग रहा है मतलब देखने से। मार्केट मिल जाएगा, ये सही बोल रहे हो आप। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ ना, मतलब यूनिक चीज, जो पुराने चीजें जो है ना पुराने जमाने की, ये सबसे बढ़िया चीज है। ये बहुत पुरानी पेंटिंग वगैरह है ना, ये बहुत पुरानी पेंटिंग है, किसी के घर तोड़ा वोड़ा होगा। हाँ हाँ, तो उसमें से निकला होगा जो ये बेचने के लिए आ गया। अगर ये देखेंगे तो पुराने जमाने के सिक्के वगैरह, एक आना दो आना, हाँ, और
आपका और जो और से छोटे सिक्के होते हैं दसवीं बीसवीं इधर देखो बहुत सामान है पुराने जमाने के सिक्का है पुराने अगर चाहिए तो वो भी यहाँ अवेलेबल है। हाँ ये सब क्या चीज रहता है सर? डायमंड वगैरह है पुराने। अच्छा पुराने मतलब और रसी वसी वाला रहता है पत्थर। कुछ सिक्के तो ऐसे है कुछ ज्यादा ही पुराने हैं। अच्छा जैसे कि ये सिक्का ये आप देख रहे हैं स्पेशल ओलंपिक मेडल है। हाँ। अब किस समय का ओलंपिक मेडल का मेडल है याद नहीं है। हाँ। किसी का जीता हुआ होगा। अच्छा वो भी यहाँ उपलब्ध है। ये पुरंजी की विशेष है। अच्छा। और कुछ देवी देवताओं के सिक्के भी रखे हुए हैं। जैसे कि ये महाकाली बनी हुई है इसमें। ये 1836 का सिक्का है। अच्छा मतलब समझ जाए तो 36 का सिक्का है। दादा वादा के जमाने वाला है। हाँ काफी पुराने चीज़ तांबे के सिक्के ना। तांबे के भी है और अंग्रेजों के समय का भी सिक्का है। ये अंग्रेजों के समय का सिक्का है ये। अच्छा ये अंग्रेजों के समय का है। घरेलू फर्नीचर। अच्छा घरेलू फर्नीचर मतलब खिड़की दरवाजे के हैंड रॉप चटकनी वगैरह जो है वो भी उपलब्ध हो जाती है। साइड ग्लास हो गया आपका यहाँ फोटो काफी का मतलब आपका ये रिबन प्रिंटर भी है। प्रिंटर का अंदर में जो मशीन यूज होता है मेरे को नया लग रहा है। नहीं नहीं नया नहीं है पुराना है बट लगभग लग ही रहा है। साफ सफाई ऐसा करके देते है जैसे डेकोरेट की चीजिए विशेष चीज मतलब जो की हैंड से घुमा के मतलब फोन लगाया डेकोरेट वगैरह की चीज दिलीप साहब के समय का। दिलीप साहब देवानंद ये। हाँ हाँ ये चालू नहीं है बंद है मगर लगा है यूनिक चीज के हिसाब से। यूनिक चीज के हिसाब से मोटर के संबंधित मोटर के संबंधित पूरे पार्ट्स रखे हुए हैं। ये सब क्या रेट में मिलेगा बाइक? अरे तो मिलेगा तो बंद हालात में मगर उसको ऊपर कुछ सुधरवाना पड़ेगा। सुधरवाना पड़ेगा। अच्छा थोड़ा बहुत फिर भी कितना रेट लगभग आ जाता होगा? लगभग लगभग 1000-1500-500। अच्छा 1000-1500। और न्यू क्या प्राइस रहती है सब? अरे इसकी प्राइस तो बहुत ही है। हाँ। समझ जाओ मतलब 5000 से ऊपर 5000 से ऊपर पहुँचता है। अरे यहाँ पे 1000-1500 में चालू हालात में काम चलाने के लिए। काम चलाने के लिए तो ये जो माइक्रोवेव है 3000 रुपए की है ओनली। और नया में क्या रेट है इतना तो पता नहीं भाई लेकिन 5000 तो प्लस ही हुआ करता है इसका। ये यहाँ से कपड़ा मार्केट स्टार्ट होता है। ये जो देख रहे हो 150 रुपये में दो आ जाएगी। ये और ये दोनों 150 रुपये में आ जाएंगे मतलब 1 करेट 75 रुपये। 1 करेट 75 रुपये पड़ेगा मतलब। बहुत सारी एडवेंचर ब्रो यहाँ ये वाला मेन मार्केट से लेके यहाँ तक पूरा मतलब अंदर भी बहुत सारा है तो उधर तक लगा था। और ये जो है मेन पार्किंग है। आप कभी भी आते हैं तो बाइक यहाँ पार्क कीजिए क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बताइए यहाँ की फेमस कहानी। फेमस कहानी ऐसी है कि अगर आप गाड़ी लेके कहीं भी आएंगे जाएंगे और लॉक नहीं करेंगे हाँ तो चोरी होने की संभावना फुल रहती है। और क्या जेब कतरी भी हो जाती है। जेब कतरी हो जाती है तो थोड़ा संभाल करके रखना पड़ता है। विशेष तौर पे संभालना पड़ता है क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला एक एरिया है। बहुत तेज भीड़ रहती है। जैसे कि आज देखा जाए तो बहुत नॉर्मल भीड़ है। अच्छा नाम मात्र की भीड़ है। अच्छा जगह तो ऐसी भरी रहती है कि पांव रखने की जगह नहीं रहती मिले ऐसा भरता है। ऐसा क्या जी? स्टील चेयर। अच्छा ये स्टील चेयर है। पार्क वार्क में लगता है वो सब है ना। तो गाइस ये 100 रुपए में 3 शूज मिलेंगे। 3 शूज़ मतलब 1 रुपए का कुछ 30 रुपए 35 रुपए ऐसा कुछ। तो 1 शूज़ का 30-35 रुपए पड़ेगा और आप कोई सा भी ले सकते हैं छांट के देख सकते हो। पूरा सेकंड हैंड माल है यहाँ पे। तो अभी जो मेन है अभी हम लोग आ रहे हैं बाइक का जो मार्केट है मेन वहाँ आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो गाड़ी के जो पार्ट्स रहते हैं वो सब मिलता है यहाँ पे। तो देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। विशेष तौर पर मतलब अपना देखा जाए तो गाड़ी का कोई भी पार्ट हो किसी अच्छा। भी पुरानी गाड़ी हो अच्छा। किसी भी कंपनी की हो अच्छा। किसी भी सन का मॉडल हो उसका पार्ट यहाँ पे मिल जाता है। ये गुरंजी का सेकंड स्पेस है देखा जाए अच्छा। ये संडे को तो लगती ही लगती है बस अदरवाइज और कोई भी दिन भी आप आएंगे तो यहाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। गाड़ी का कोई भी पार्ट जो होगा वो मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ पर कार खड़ी है ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अच्छा ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हाँ ट्रक जितने भी टायर है यहाँ सब अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा ये जो अभी आ रखे हैं हम लोग अभी ये स्पेशली बाइक के लिए है ना बाइक मोटरसाइकिल और जो कार। हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा। हाँ
आइटम ले चुका हूँ। हाँ, दो तीन आइटम भी ले चुके हैं यहाँ। जी जी जी, जैसे कोई भी पार्ट लेना है तो यहाँ मिल जाता है, अलग अलग पार्ट। हाँ, जैसे इसका पल्सर का सामने का पड़ा हुआ साइलेंसर वगैरह, ये पूरा। सो ये वाली जो गली है यहाँ पे सिर्फ बाइक्स, बाइक और कार, खाली जो व्हीकल रहते हैं वो सबका पूरा सामान मिलता है यहाँ, मिल जाता है। और लगभग आपको कहीं भी, मतलब जो भी गाड़ी पुराने से पुराना गाड़ी होगा उसका भी पार्ट यहाँ मिल जाएगा, है ना भैया? ये यहाँ की स्पेशल है, विशेष है। सब चीज पूरा यहाँ पे एवरीथिंग अवेलेबल हो जाएगा पूरा। ये हमारे विशेष भाई साहब है। अच्छा, ये गुरंजी में हर पास गाड़ी का कोई भी हो। अच्छा, भाई साहब से बोल दो। अच्छा, इनके पास अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, दिलवा देते। अच्छा, दिलवा देते हैं ये पुरानी से पुरानी गाड़ी। नई गाड़ी। अब उसका रेट नया के मुकाबले कितना रहता होगा भैया? मतलब आधा आधा रेट में मिल जाएगा। और पूरा माल जो है ओके रिपोर्ट मिलेगा, मतलब पूरा ओके रिपोर्ट मिलेगा। कभी अच्छा थाने से ऑप्शन में, ऑप्शन चलता है थाने से। हाँ। अच्छा, यही लगेगी ना? तो ये देखेंगे पूरा। हाँ, ये भैया का पूरा दुकान है, देखो एवरीथिंग पूरे बाइक से रिलेटेड यहाँ मिल जाएगा। पूरा देखो कितना पूरा बाहर, पूरा अंदर में पूरा सामान पूरा लगा हुआ है। और ये सामने सामान पूरा भैया मेरे को ये बताइए, जैसे कि स्पोर्ट्स गाड़ी रहती है कोई सी भी, तो उसके लिए हाँ, तो जैसे मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए जो आते हैं वो सब भी आपके पास अवेलेबल पूरा आधे रेट में, आधे से आधे रेट में? ये जबरदस्त चीज है। अच्छा, ये KTM का पार्ट्स है, ये भी देख सकते हैं, साइलेंसर पूरा स्पोर्ट्स बाइक की है पूरी, और ये सब आधे से आधे रेट में मिलेगा पूरा। ये वाली देखेंगे पूरा, ये सब नया नया सामान। हाँ, पूरा नया नया सामान आएगा यहाँ, और एकदम कम रेट में, पूरा पूरा हाफ रेट में। नहीं, तो ये भैया का कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर कोई सी बाइक से रिलेटेड आपको पार्ट चाहिए तो वो जबलपुर के अंदर गुरंदी में अवेलेबल करा देंगे भैया। सो गाइस, ये था पूरा जबलपुर गुरेंदी मार्केट। इसको जो हम लोगों को शूट करने में जो एम के दर रहा है यादव जी, इनका नाम पूरा धनीराम यादव जी है, ये मेरे भैया हैं पर्सनली, हम लोगों का बहुत ही अच्छा रिश्ता है। सुहानी न्यूज़ एजेंसी की तरफ से आए हैं और इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, तो बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ का जो वीडियो में शूट में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगाई, क्योंकि वहाँ पे जो है ना थर्ड क्लास के लोग रहते हैं, मतलब बहुत ही मेहनत लगी है। मतलब वहाँ पे वीडियो शूट करना मतलब एक रिक्शी वाला मामला है, वहाँ पे हम लोगों ने वीडियो शूट करी है। क्या वहाँ जो रहते हैं कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको वीडियो से ज्यादा मतलब नहीं रहता है, मतलब बात यही है, बस उन लोगों को समझ नहीं आता, बस ऑब्जेक्शन बहुत उठाते हैं वीडियो शूटिंग करते समय। लेकिन ये सिर्फ हो पाया भैया की वजह से, जो हमारे साथ रहे और अच्छे से वीडियो शूट कराए, इसके लिए एक लाइक बनता है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना, और अगर आप लोग चाहोगे तो इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, मतलब प्रॉपर बाइक मार्केट, जैसा कि बाइक मार्केट दिखाया है। मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए बाइक मार्केट ज्यादा नहीं दिखा रहा हूं। अगर आप लोग बोलेंगे तो प्रॉपर बाइक मार्केट के ऊपर एक और वीडियो बना देंगे, उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज पीस।